शरार कपड़े थले वाड़ गया अगर वाड़ गया ਇਹ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ ਹੈਗਾ ਕਮੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਹ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਪਲੇ ਉੱਤੋਂ 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 ਪਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਵੱਡਾ ਉੱਤਾ ਆ ਗਿਆ ਉੱਤਾ ਕੋ ਟੈਂਕੀ ਖੜਾ ਗਿਆ ਉੱਤਾ 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 ਹੈ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਖਲੇ ਇੱਥੇ ਕਿਰੇ ਇੱਥੇ ਕਿਰੇ ਵੇ ਹੱਥ ਪਾਵੇ ਉੱਤਾ ਵੇ ਉੱਤਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਨਹੀਂ ਵੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤਾ ਦੇ ਵੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਫੜ ਗਿਆ ਅ ਗੋਡਾ ਮੀਆਂ ਸ਼ਰਾਜ਼ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਣ ਦਿਓ दो दिन पहले मेरा ये तोता कलोनी से उड़ गया था, लेकिन मैंने आज देखा कि ये तोता हमारी ही कलोनी के बिल्कुल दीवार के ऊपर आके बैठ गया है। अब इसको हमने पकड़ना है, हम इसको कैसे पकड़ेंगे, बड़ा मुश्किल काम है। हम अगर कलोनी का दरवाज़ा खोलेंगे तो बाकी तोते उड़ने का ख़तरा है। ये बार बार दरवाज़े के ऊपर जाके बैठ रहा है। अभी इसके लिए मैंने एक दो दोस्तों की हेल्प भी लेता हूं और इसको पकड़ने की करते हैं जी कोशिश। तो मुझे भी खुशी बहुत ज़्यादा है कि ये वापस आ गया है। बाकी अगर इसको हम पकड़ने में कामयाब होते हैं या नहीं होते ये एक अलग बात है, लेकिन ये इसका वापस आ जाना बहुत बड़ी कामयाबी है। तो दुआ कीजिएगा मेरी, मैं अभी इंशाल्लाह इसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ। अब हमारे लिए मसला ये है कि ये इस साइड पर बैठ गया है और हमारी जो सीढ़ी है वो दूसरी साइड पे लगी हुई है। अभी इस साइड पे भी कुछ चीज़ लगाते हैं ताकि इस तक हमारी पहुंच हो जाए, लेकिन ख़दशा ये है कि हम जो ही इसके पास आएंगे तो ये कहीं उड़ भी ना जाए। तो अभी मैं एक दो समझदार बंदों को बुलाता हूँ, उनसे लेता हूँ मशवरा। तो इतनी देर में छोटा भाई भी आ जाता है, बेगम भी मशवरे दे रही है, लेकिन देखते हैं इसको कैसे पकड़ना है। अब ये जो इसके साथी हैं ये उनके साथ मसलन खुराक शराक इसने एक्सचेंज कर ली है, पता नहीं दो दिन इसने क्या खाया पिया है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। अभी इसके लिए हमने तरकीब ढूंढ कुछ सोचते हैं इसको पकड़ने की। तो अभी करते हैं जी ऑपरेशन शुरू, इंशाल्लाह दूसरी साइड पे भी कोई चीज़ इधर रेडी लगा देता हूँ, इधर लगाता हूँ रेडी, दूसरी साइड पर होगी सीढ़ी। तो दोनों साइडों से इसको करते हैं अप्रोच, एक साइड पे भाई खड़ा हो जाएगा, एक साइड पे मैं। अभी ये देखें ये इस साइड पे वो सीढ़ी लगी हुई है दूसरी साइड पे, दूसरी साइड पे हमने लगाई है रेडी, तो ये इधर आके बैठ गया है। अभी जिस साइड पे हमने सीढ़ी लगाई हुई है तो अभी कोशिश करते हैं, मैं आता हूँ दूसरी साइड रेडी वाली साइड से और छोटे भाई को भेजता हूँ इस साइड से। लेकिन मसला ये है कि हम इसके जूँ ही पास आते हैं तो ये उड़ के तारों पे चला जाता है या दूसरे घर की छत पे जा कर बैठ जाता है। खैर हम भी इंशाल्लाह ट्राई ज़रूर करेंगे। इसी असना में हमारा तकरीबन आधा घंटा लग चुका है और हम पसीने में हो चुके हैं शराबूर, लेकिन ये पैरट क्योंकि वापस आया है इसको पकड़ेंगे हम जरूर इंशाल्लाह। शराज भाई करो ट्राई। तो ये शराज अभी दोबारा चढ़ेगा जी इस साइड पर, इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे जनाब सियाना बंदा भी आ गया है, समझदार आदमी जिसको हम कहते हैं, इसने पैरट्स रखे हुए हैं। तो इसको हमने पूछा है कैसे रखे पकड़ेंगे, ये गूंगा भी है बहरा भी है लेकिन मशवरे अच्छे देता है। अब इसके मशवरे पे अमल करते हैं। इस साइड पे हमने लगा लिया है रेडी और दूसरी साइड पर लगी हुई है सीढ़ी। तो ये कहता है एक साइड पर एक बंदा चढ़ जाए, दूसरी साइड पर बंदा चढ़ जाए और एक कपड़ा ले लें, कपड़ा से उसके ऊपर इसको डांपें। तो लेकिन ये इतना टाइम नहीं देता, ले जी हम पकड़ने शुरू हुए तो वो उड़ गया है, वो चला गया है जी तारों पे बैठ गया है। अब हम नीचे जाते हैं, हमने इसको जाल इस तरह बिछाया है कि इसके ऊपर हमने एक छोटा पिंजरा रख दिया है, उसके अंदर खुराक भी रखा है, पानी भी रखा है ताकि ये उसके अंदर आके बैठ जाए। लेकिन ये उसके अंदर आके नहीं बैठ रहा, ये अपने पैरट्स साथियों के साथ आता है, बैठता है। ये दोबारा आ गया है, अभी ये दोबारा अपनी उनसे के साथ चूँच मिलाएगा, खुराक शराक एक्सचेंज करेगा, बातें शातें करेगा। इतनी देर में हम दोबारा ट्राई कर लेते हैं, ऊपर पहुंचते हैं। तो हम जो ही इसके पास जाते हैं तो ये उड़ के चला जाता है ऊपर। तो ये इंशाल्लाह इसको आज हमने पकड़ना ज़रूर है। आजा शराज दूसरी साइड से आजा, वो कपड़ा लेके आओ, कपड़ा 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 ले आओ।
मुझे दे दो। केड़ी साइड तो आवेंगे हुन? इस साइड से ये भी साइड खुली है, कभी ये इस साइड से चिमट जाता है। अभी इधर शिराज को मैंने इधर खड़ा कर दिया है तो, लेकिन खड़ा होने का फायदा नहीं है, इधर खड़ा हम होते हैं तो हमारी तरफ आता ही नहीं, जिस साइड पे हम नहीं होते वो उस साइड पे चला जाता है। अभी देखिए इस साइड पे मैं नीचे आ गया हूँ तो वो अभी इधर आके बैठ गया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये उड़ के कहीं और नहीं जा रहा। अभी मैं फिर ऊपर चढ़ा हूँ, ये दोबारा चला गया है तारों के ऊपर। वापस आ जा भाई, वापस आ जा ना, इतना खपा सानू, गर्मी बड़ी है, पसीने ना शराबूर हो गए हैं। दोबारा वापस आ गया है जी, और एक ट्राई इंशाल्लाह और करते हैं, इंशाल्लाह पकड़ा जाएगा। तीन चार बंदे हमारे और भी एक्सपर्ट आए खड़े हैं, नीचे फैमिली खड़ी है सारी, वरना मैं आपको नीचे वाली वीडियो भी दिखा देता। बच्चा पार्टी खड़ी है, सारे बड़े इमोशनल है। मेरी मिसेस जो है वो बड़ी इसमें ज़्यादा दिलचस्पी उसकी है, उसके भी मशवरे हैं। तो ये सबसे पहले उसी ने इन्फॉर्म किया था कि पैरट आके बैठ गया है। कोशिश करते हैं, अभी मैं इसके पास जा रहा हूँ, साथ साथ कैमरामैन भी लगा हुआ है। तो ये सीन हम रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं कि इसको हम कैसे पकड़ेंगे। ये कहीं इस साइड पर आ जाए तो इस साइड पे पकड़ना आसान होगा, क्योंकि इधर सपोर्ट है, छत है। दूसरी जगह साइड पे सिर्फ हमने रेडी लगाई हुई है, लेकिन उधर सपोर्ट नहीं है। तो थोड़ा सा हम जपटी मारने की भी कोशिश करेंगे, तो जपटी मारने में ये ना हो कहीं हम गिर जाएं। तो खैर एक ट्राई अभी और लगाता हूँ, ये मैंने लगाई है रेडी। अभी मैं इसके ऊपर चढ़ता हूँ और इसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ। ये मैं इसके करीब चला गया, और यार ना जा यार, रुक जा, मुझे करीब तो आने दे। और नीचे से सीढ़ी कंट्रोल करे या करो भाई। हाँ पौड़ी पे भी पैर रख लो, पीछे पैर रख लो। ये उड़ी ना, उड़ी ना, अभी ना उड़ना। ये वो जी सीन जी, जहाँ जाके तोता फंस गया और हमने यहाँ से पकड़ लिया। ये तोता हमने पकड़ लिया, अब इसको कर रहे हैं पिंजरे के अंदर, छाड़ दो जी। बड़ी खुशी हुई है माशाल्लाह, बड़ा मैं दो दिन बड़ा अफसोस में रहा हूँ और आज जाके बड़ा खुश हूँ। दोबारा कलोनी में माशाल्लाह 14 पैरट पूरे हो गए हैं, कलोनी हरी भरी हो गई है। परसों मैं इनमें नेस्टिंग टीरियल डाल रहा था, मैंने मटकियां लगाई थी, और जिस वक्त से ये उड़ा है मैंने नेस्टिंग टीरियल को वैसे का वैसे छोड़ दिया था, और मैं बड़े अफसोस में था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी खुशी में हूँ, अभी इनका नेस्टिंग टीरियल भी पूरा करते हैं, इसकी करते हैं सफाई और दोबारा शुरू हो जाते हैं। जब आप पैरट से मोहब्बत करते हैं तो इनके जाने का दुख भी होता है और इनके आने की खुशी भी होती है। तो ये थी जनाब आज की वीडियो। मेरे पैरट्स अल्हम्दुलिल्लाह 7 पैर पूरे हो गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कैंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। दुआ में रखिएगा ये याद। अल्लाह हाफिज़।